हेलो सी एस हैं आप लोग आए हो मस्त शानदार हैं और जबरदस्त है तो आज की क्लास के बात करने वाले हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में जो आपके लिए सी ए फाउंडेशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है यस yes, हम अपनी पूरी क्लास के अंदर में इन ट्रिक्स का डिस्कशन करते रहते हैं कैलकुलेटर की ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ भाई तो कैलकुलेटर अपने हाथ में रख लो अगर आपके पास में सेम कैलकुलेटर है तो बहुत है अच्छा है वेल एंड गुड है क्योंकि भाई यही कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अकॉर्डिंगलीसेंट कैलकुलेटर में सेम तरीके से काम करेगा 10 परसेंट कैलकुलेटर में एक दो ट्रिक के अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वो आपके कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली आपको चेक करना पड़ेगा ठीक है नाइनटी परसेंट कैलकुलेटर ट्रिक सेम चलेगी हम कैलकुलेटर की सिर्फ बारह ट्रिक डिस्कस करेंगे मेरे अकॉर्डिंगली बारह ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे स yes, ज्यादा ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ बच्चे करते हैं पचास साल ट्रिक बना लेते हैं बट उसको याद करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा पहले ही इतना सारा कंटेंट है इतने सारे फॉर्मूलाज है इतने सारे कंसेप्ट है उसमें कैलकुलेटर की अगर मैं इतनी ट्रिक डाल दूंगा तो पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम में मेरी उससे स्पीड बढ़ने की जगह घट जाएगी तो याद रखना है लिमिटेड ट्रिक्स हो बट वो सारी ट्रिक यूजफुल होनी चाहिए ठीक है यस कैलकुलेटर so की मेरे अकॉर्डिंगली जो 12 इंपॉर्टेंट ट्रिक बनती है जिसमें लॉग भी कवर है रूट भी कवर है आपका बेसिकली uh, यहां पर एंटी uh, लॉग भी कवर है आपका एम प्लस एम माइनस एमआरसी वो कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं जी का क्या यूज है ये सारी ट्रिक्स लेकर आया हूं तो शुरू करते हैं ईजी से फिर लेवल बढ़ाते रहेंगे ठीक है तो पहली इंपॉर्टेंट ट्रिक सबसे सिंपल अगर मेरे को कैलकुलेटर पे माइनस बारह लिखना है तो कैसे लिखते हैं इजी से शुरू करते हैं ना, माइनस बारह लिखना है तो कैसे लिखते हैं? अरे, क्यों माइनस साइन लगा दो? नहीं भाई, नहीं भाई, आया। क्या करेंगे? के बाद में और फिर प्लस माइनस का बटन दबाना है दोबारा तो दबा दिया है ना माइनस बारह लिखा हुआ आ गया मेरा यहां से अगर मैं दोबारा प्लस माइनस का दबा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा साइन गायब हो जाएगा यस yes. सो so याद रखना है कि मुझे अगर एक नेगेटिव नंबर लिखने का तरीका क्या होता है के बाद जैसे मैंने यहां पे बारा लिखा तो बारह के बाद में ये प्लस माइनस का बटन ऐसा दिख रहा होगा उसको प्रेस करना है इजी ट्रिक नेक्स्ट पावर निकालने की ट्रिक थ्री की पावर सेवन निकालना है तो कैसे निकालेंगे कह रहा थ्री लिखो मल्टीप्लाई का बटन दबाओ इक्वल टू इससे क्या होता है ये लास्ट स्टेप रिपीट हो जाता है तो इससे क्या होगा स्क्वायर हो गया इक्वल टू अगेन पावर हो हो गई गई अगेन है है क्या मैं इसको गिनू, कितनी बार कह रहा है? नहीं जरूरत से एक बड़ा नंबर तो एसी का बटन होगा जिससे क्लियर हो जाता है वो प्रेस करने के बाद ही आप अपना ये कैलकुलेशन करिए तो तीन लगाया मल्टीप्लाई दबाया इक्वल टू पावर टू हो गई तो यहां पे स्टेप्स कितने आ गए तीन दोबारा इक्वल टू पावर तीन हो गई स्टेप्स चार ऐसे ही पावर सात निकालना है तो स्टेप्स आठ होने चाहिए स्टेप्स जैसे ही आठ होंगे तो मुझे इसकी वैल्यू टू वन एट सेवन मिल रही है यस थ्री की पावर सेवन हमारा कितना होता है भाई टू वन एट सेवन ही होता है सर तो ये ट्रिक याद रखना है सिमिलरली अगर मुझे मान लो वन को डिवाइड कराना है थ्री की पावर सेवन से तो मैं यहां पर क्या करूंगा यहां पर ध्यान से समझना क्या करेंगे वन को डिवाइड कराऊंगा तीन से वन को डिवाइड कराऊंगा तीन से फिर इक्वल टू से दो बार डिवाइड तीन बार डिवाइड चार बार डिवाइड पांच बार डिवाइड छह बार डिवाइड सात बार डिवाइड ये हो जाएगा देखो इक्वल टू क्या करता है बेसिकली जो हमारा ये ये लास्ट में जो प्रोसेस किया है ना ये रिपीट करता है यहां पर इस प्रोसेस को ये रिपीट करता है तो देखो लॉजिक पता होना जरूरी है तो वन को तीन से डिवाइड कराया एक बार डिवाइड हुआ दो बार तीन बार चार बार पांच बार सात बार तो सात बार यहां पे देखो ध्यान से यहां पे देखो ये वन एक्स्ट्रा आ गया इस पॉइंट से तो तो यहां पर इसके अंदर में जो स्टेप्स है, जीरो नाइन बन जाएंगे तो इससे दो बड़े हो जाएंगे तो अगर मुझे डिवाइड कराना है तो वो भी मैं करा सकता हूं वो भी मैं करा सकता हूं तो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है ये मैंने आपको बता दिया यस इसका सर कोई और तरीका नहीं है क्या यार मजा नहीं आ रहा इस तरीके में तो है ना क्यों नहीं है आप चाहो जैसे मेरे पास में वन बाई एट्टी वन है ही मैं आपको की पावर सेवन में निकाल के दिखाऊंगा मुझे ये पसंद है मैं आपको बस इसलिए बताया दोनों मेथड क्योंकि आप किसी भी चीज के मल्टीपल मेथड खुद से बना सकते हो अगर आपको लॉजिक पता है ठीक है सो अगर मुझे वन बाई एट्टी वन निकालना है तो मतलब क्या है एट्टी वन का रेसिप्रोकल निकालना है एट्टी वन का रेसिप्रोकल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना एट्टी वन लिखना है डिवाइड और इक्वल टू का बटन दबाना है आपका आंसर फट से आ जाएगा 81 लिखो डिवाइड इक्वल टू का बटन दबाया तो 81 वन डिवाइड टू दबाते साथ मुझे इसकी वैल्यू मिल गई जो कि आ रही है हमारी क्या जी थ्री तो की पावर सेवन निकालकर उसका रेसिप लोकल कर दूंगा तो यहां पे अगर मैं क्या करूं थ्री की पावर सेवन निकालने के लिए थ्री इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू हमारा कितना हो गया भाई सात से एक बड़ा स्टेप आठ तो यह क्या मिल जाएगा थ्री की पावर सेवन यस अब रेसिप्रोकल करने के लिए रेसिप्रोकल करने के लिए इसकी वैल्यू मुझे पता है फिर उसके बाद डिवाइड इक्वल टू प्रेस करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा जी यहां से वन बाय थ्री की पावर सेवन यस तो अगेन मैंने यही बोला तरीका देखो कौन सा आपको सिंपल लग रहा है मैं इसको सिंपल मानता हूं इजी है क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी हाँ रेसिप्रोकल निकाल लेंगे आठ हुए yes? अब मैंने क्या किया बेटे डिवाइड दबाया, दबाया तो ये क्या हुआ थ्री बाय सेवन का रेसिप्रोकल हो गया इससे क्या हुआ मेरा बेटे यहां से जे करते साथ में ये थ्री बाय सेवन का रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल मतलब ये डिनोमिनेटर में चला गया न्यूमिनेटर से उठकर तो ये आपके लिए एक और ट्रिक साधारण सी बताई है ठीक है सिमिलरली अगर मुझे थ्री की पार माइनस फोर निकालना है सेम सेम चीज है तो थ्री की पार माइनस वन बाय थ्री की पार सेवन का मतलब क्या है दिस इज एक्चुअली थ्री की पार माइनस सेवन सिमिलरली ये क्या हो गया वन बाय थ्री की पार फोर सेम चीज है है ना नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव बन जाएगी तो यहां पर वन बाय थ्री की बार फोर सेम तरीके से निकालो पहले थ्री की बार फोर निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे तीन इक्वल टू से पावर टू पावर तीन पावर चार याद नहीं रखना सर हमारे को चार से एक बड़ा पांच स्टेप आ जाएगा उतने पे इक्वल टू रोक दूंगा तीन मल्टीप्लाई इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू पांच आया तो मैं रुक जाऊंगा मेरे को इसकी वैल्यू कितनी मिल गई है एट्टी वन अब तीन की पावर चार मुझे एट्टी वन मिला है मुझे क्या चाहिए सर उसके बाद डिवाइड टू प्रेस किया तो वैल्यू क्या दिख रही थी एट्टी वन उसके बाद डिवाइड इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में आंसर मिल जाएगा तो आंसर में डिवाइड इक्वल टू प्रेस किया मेरा आंसर रेसिप्रोकल में मिल गया ठीक है तो स्टेप्स क्या हो गए यहां पर मेरे लिख दू मैं कैलकुलेटर ट्रिक के पहले मैंने थ्री की निकाला थ्री मल्टीप्लाई इक्वल इक्वल टू टू से थ्री की पार फोर निकाला, निकाला फिर यहां पे जो मेरा आंसर आया ये आया मेरा थ्री की पार फोर रेसिप्रोकल करने के लिए डिवाइड इक्वल टू प्रेस किया तो ये अब मेरा बन गया वन बाय थ्री की पार फोर ठीक है इस ट्रिक को लोग रूट निकालने के लिए भी यूज करते हैं एबसर्ड पावर के लिए यूज करते हैं बट मैं absurd power के लिए आपको मना करूंगा because absurd power के में क्या होता है बड़ा नंबर जैसे ही आएगा ना तो आपका आंसर में approximation हो जाती है ठीक है सो डोंट यूज इट फॉर एबसर्ड पावर पावर का इतना कुछ खास यूज नहीं आता है हमारे पास ठीक है सो मैं इसलिए स्पेसिफिकली आपको बोलता हूं एबसर्ड पावर जब भी आए उसकी जगह पर आप एक काम करो लॉक का यूज कर लो यार आप वहां पर कुछ और तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करो बेटर है ठीक है Log का कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है ना चलो यस yes. तो यहां पर इसको निकालते हैं यहां पर इसको निकालते हैं सो so, मान लो मेरे को दे रखा है ट्वेंटी सेवन की पावर वन बाई थ्री ठीक है मुझे ये निकालना है मुझे नहीं पता कितना होता है वैसे पता है तीन होता है बट मैं इसको ट्रिक से निकालना चाहता हूं कैलकुलेटर ट्रिक से निकालना चाहता हूं मुझे आंसर पता है कैलकुलेटर ट्रिक से वेरीफाई करते हैं तो हमने क्या करना है नंबर लिखना है हमें क्या करना है नंबर लिखना है फिर रूट का बटन बारह बार एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह बार प्रेस किया माइनस करना है वन माइनस करना है वन, अब डिवाइड करना है किस नंबर से जो हमारा रूट है तो थर्ड रूट है क्यूब रूट को क्या बोलते हैं थर्ड रूट तो तीन से डिवाइड तीन से डिवाइड किया अब इसमें वन ऐड कर देना लंबी ट्रिक है यस आई नो फिर इसमें इक्वल टू का बटन बारह बारह एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो आंसर आपका थ्री पॉइंट जीरो 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 मैं ट्रिक से निकालता हूं जो ट्रिक फॉलो करके तो मेरा आंसर थ्री पॉइंट जीरो 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 एट एट आ गया विच इज अप्रोक्सीमेटली तीन बाबा तो यस इसमें आंसर आपका सही आता है क्योंकि नंबर छोटा है जब एबसर्ड पावर होती है वैल्यू क्या आ जाती है हमारी मान लो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है हजारों में आ रही है लाखों में आ रही है तो हमने जब डिफरेंस देखा है ना उसके अंदर में पावर में जब बड़ा आंसर है ना ये अप्रोक्सीमेशन ये अप्रोक्सीमेशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना शुरू कर देती है जिससे आपका कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाता तो इसलिए मैं अपसर्ड पावर वाला पार्ट आपको मना करता हूं ये चीज रूट के केस में अच्छा रोल प्ले करेगी क्योंकि आपकी वैल्यू छोटी आ रही है तो अप्रोक्सीमेशन कम हो रही होती है ठीक है जी नाउ नेक्स्ट लोगेरिथम ऑफ एनी नंबर लोगेरिथम ऑफ एनी नंबर अगर मुझे किसी नंबर का लॉग निकालना है हमारे पास बहुत ज्यादा यूज आता है लॉग निकालना है स्पेशली कंपाउंड इंटरसेप्टर में या फिर स्टार्ट में भी कुछ ऐसे चैप्टर जहाँ पे लॉग की जरूरत है जैसे कई बार हमारे को ये फंस गया मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है यस yes. एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे तो यहां पर हम सीखेंगे चीज ओके लॉग सिखाता हूं पहले कैसे निकालते हैं फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है उस पे भी डिस्कस करेंगे लॉग की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है भाई मेरी पॉइंट थ्री जीरो वन पॉइंट थ्री जीरो वन हमारी लॉग टू की वैल्यू होती है अब इसको अगर मुझे कैलकुलेटर से निकालना है तो मैं टू लिखूंगा रूट का बटन पंद्रह बार सब्ट्रैक्ट करूंगा वन और दोनों में से कुछ कोई काम कर सकता हूं वन फोर टू थ्री जीरो से मल्टीप्लाई आंसर देता है थोड़ा बहुत आंसर में काम चल जाएगा तो इससे तो हम इसी से काम करते हैं ये आपको करना है तो करो क्लास में ये फॉलो कराता हूं बिकॉज अगर बड़े नंबर का लॉग निकालना है तो एक्यूरेट आंसर ज्यादा इसमें आता है इन कंपैरिजन टू इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर है ठीक है करते हैं चलो अभी टू लिखा रूट का बटन पंद्रह बार एक दो तो, तीन चार पच छत आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह माइनस करा दिया वन फिर क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई कराना है वन फोर टू थ्री जीरो से तो हमारा देखो आंसर कितना आ रहा है पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो हमें सिर्फ लॉग के बाद में और पॉइंट के बाद में सिर्फ तीन या चार डिजिट तक ही चेक करना है वो सेम आ रहा है यस सर पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो मैं इससे डिवाइड करा था अप्रोक्सीमेट आंसर सेम ही आता आप करके देख लेना ठीक है आप खुद से ट्रेन ट्रिक को चेक करके मुझे आंसर कमेंट में बताओ अब लॉग का ऐसे केस में क्या यूज है जब मुझे पावर निकालनी है मेन यूज हम लॉग का पावर निकालने में ही करते हैं बाकी चैप्टर में कि भाई मुझे अंदर की दो वैल्यूज पता है ये पावर क्या आएगा तो ऐसे केस में थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए तभी ये ट्रिक लगा पाओगे सो so क्या करो दोनों तरफ लॉग ले लो आ दोनों तरफ लॉग ले लो पॉइंट का भी लॉग ले लो और लॉग पॉइंट की पावर एक्स भी ले लो तो आप क्या करो भाई ये एक्स को हमें पता है भाई हमें पता है ये एक्स जो है ये ऐसे बाहर आ सकता है ये एक्स जो है ऐसे बाहर आ सकता है यस ये हमें पता है एक्स उठ के बाहर आ गया यहाँ से ठीक है यस सो अब एक्स क्या बन गया एक्स बन गया सर लॉग ऑफ पॉइंट थ्री डिवाइड बाय लॉग ऑफ पॉइंट नाइन तो अगर मैं लॉग की वैल्यू सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो चलेगी ठीक है सो लॉक पॉइंट थ्री डिवाइड बाई लॉक पॉइंट नाइन करते हैं रूट का बटन कितनी बार एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह माइनस किया वन मल्टीप्लाई कराया पॉइंट डबल ज़ीरो मल्टीप्लाई कराया विद वन फोर टू थ्री ज़ीरो ठीक है मैं डिवाइड वाला काम कर रहा था बात एक ही थी है ना माइनस पॉइंट फाइव टू टू एट के आसपास आ गया है ठीक है सिमिलरली नीचे वाला पॉइंट नाइन रूट का बटन पंद्रह बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह माइनस किया वन एंड मल्टीप्लाई वन फोर टू थ्री जीरो से तो मेरा यहाँ पे वैल्यू आ रही है पॉइंट जीरो फोर फाइव सेवन फाइव माइनस साइन के साथ अब अब क्या करते हैं लेट सपोज मुझे इसको इससे डिवाइड कराना है तो डिवाइड करा देते हैं अब इसको डिवाइड कराने के लिए मैं एक काम और कर सकता हूँ मैं एक और काम कर सकता हूँ मेरे पास देखो थोड़ा दिमाग लगाना सीखोगे तो जल्दी होगा मेरे को पता है ये वैल्यू मेरे कैलकुलेटर पे दिख रही है तो ये मैं, इस को मैं बोल हूं। .5228 में, हटने वाला है, तो वैसे ही मैं इसको हटा देता हूं तो हटाने के लिए क्या किया मैंने प्लस माइनस का बटन दबाया है ना हट गया साइन है ना नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए प्लस माइनस का बटन दबा दो माइनस से माइनस कट गया सिंपल ये रेसिप्रोकल लेके मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूं रेसिप्रोकल लेने का तरीका कैलकुलेटर पे डिवाइड इक्वल टू प्रेस करने का यस yes. इसको सॉल्व करने के लिए देख रहे हो ट्रिक सीखो ट्रिक ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया ये वैल्यू मेरे पास कैलकुलेटर पे दिख रही थी अभी है ना मैंने क्या किया पहले नेगेटिव दिख रही थी मैंने प्लस माइनस का बटन प्रेस किया पॉजिटिव हो गया अब मुझे इस रेसिप्रोकल की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड इक्वल टू प्रेस करूंगा तो मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा अब मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा इसको से, तो मेरा आंसर आ गया है इसका इलेवन पॉइंट फोर टू सिक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इलेवन पॉइंट फोर थ्री ये आपके क्वेश्चन हमारा शायद शायद किसी

पॉजिटिव वैल्यू बन गई है जैसे ही ये काम हुआ मेरा है ना अब जैसे ही मैंने ये काम किया तो इससे क्या हुआ जैसे ही मैंने ये काम किया इससे क्या हुआ रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो गया रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो गया ये जो हमारा रेसिप्रोकल है इसको मल्टीप्लाई कराया मेरा उत्तर आ गया है समझ में आया बेटे यस लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है देन लॉग का अगर लॉग वायरस है आपकी जिंदगी का तो उसका एंटीवायरस है एंटीलॉग ए मतलब लॉग का उल्टा क्या होता है कैसे निकालते हैं बताता हूं so, जैसे मुझे लॉग टू की वैल्यू पता है भाई पॉइंट थ्री जीरो वन होती है तो उसका अपोजिट है एंटीलॉग तो एंटीलॉग इसका अगर मैं लूंगा तो मुझे आंसर टू मिलना चाहिए तो एंटीलॉग निकालने के लिए हम क्या करते हैं एकदम रिवर्स प्रोसीजर लगाते हैं बेसिकली एंटीलॉग का, का काम क्या होता है लॉग को काटना ये आपको हमने क्लास में बताया है यहां डिस्कस नहीं करते तो लॉग का काम का का क्या होता है लॉग को काटना तो उल्टा कर देने हैं ठीक है उसका जहर का ये क्या है हमारी संजीवनी बूटी यस सो पॉइंट का लॉग निकालना तो क्या करो पॉइंट लिखो सबसे पहले जो लॉक का आखिरी स्टेप था उसका उल्टा वहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करा था वन फोर टू थ्री जीरो से यहाँ डिवाइड कराएंगे वन फोर टू थ्री जीरो से उल्टा फिर सेकेंड लास्ट स्टेप क्या था सब्ट्रैक्ट वन यहाँ पे क्या कर देंगे एड वन फिर हमारा पहला स्टेप क्या था रूट का बटन पंद्रह बार यहाँ पे रूट का उल्टा है मल्टीप्लाई इक्वल टू पंद्रह बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह आंसर क्या आया मेरा नाइन तो, तो दैट इज मेरा लॉग टू जैसे ही मैंने निकाल आ, मेरा जैसे ही मैंने एंटी लॉग निकाला कैलकुलेटर ट्रिक से ऑफ पॉइंट थ्री जीरो वन दिस इज कमिंग वन पॉइंट नाइन 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 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू तो टू बाबा तो यस आ रहा है इसको यूज कैसे करते हैं मेरे को यहाँ पर दो तेरी, दो चीजें सिखाऊंगा एब्सर्ड वैल्यू का भी यूज अभी कैसे यूज करता है तो वो लॉग और एंटीलॉग का मिक्सचर कैसे बनाकर सॉल्व करते हैं सिखाता हूँ अभी आपको ठीक है इससे एग्जैक्ट आंसर आता है इसलिए बोल रहा हूं ठीक है कई बार आपका आस पास में ऑप्शन दे रखे होते हैं एबसर्ड पावर जो आपने ट्रिक सीखी होगी जैसे रूट वाली ट्रिक सीखे उससे आंसर आने में गलती होती है इसमें नहीं होती है मेरे को ऐसा लगता है सिखाता हूं ठीक है पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है देखते हैं तो यहां पे अगर मुझे ऐसा दे रखा है अगर मैं बेटे यहां पे दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूंगा तो क्या होगा तो मेरा यहां पर एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा तो मुझे एंटी लॉग निकालना होगा बस किसका भाई टू का यस तो एंटी लॉग और लॉग कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई है एंटी लॉग ऑफ 2.7 देखो कितना आता है हमने क्या करना है टू पॉइंट सेवन लिखा अब क्या करेंगे सबसे पहले बारह तेरह चौदह और पंद्रह तो मेरा इसका उत्तर आ रहा है फाइव जीरो आप आपका भी यही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली वन जीरो आ रहा है ठीक है नाउ ये निकालना है मुझे एबसर्ड पावर मतलब हमारा पावर डेसिमल में आ रखी है तो क्या करेंगे तो बेटा अगर बेटे मैं इसके दोनों तरफ में लॉग ले लू अगर मैं इसके दोनों तरफ में लॉग ले लू तो क्या होगा देखो ये पावर उठ के बाहर आ जाएगी तो ये पावर उठ के कहां चली जाएगी जी बाहर आ जाएगी सर बाहर का मतलब क्या हुआ हमारा ये पावर उठ के बाहर आ जाएगी यहां पर सो so, अब इसकी वैल्यू में निकाल लू इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सेवन को मल्टीप्लाई करा देंगे लॉग आठ से अब ये लॉग एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी जो भी वैल्यू आएगी उससे एंटी लॉग ले, ले लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा सेम ऐसे प्रोसीजर से करें देखते हैं लॉग एट निकालना पहले मुझे आठ लिखा फिर क्या करना है लॉग के लिए क्या करता है रूट का बटन पंद्रह बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह माइनस किया वन और मल्टीप्लाई कराया वन फोर टू थ्री जीरो से तो मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई है पॉइंट नाइन जीरो थ्री के आसपास ऑब्वियसली इतनी आनी थी पॉइंट नाइन जीरो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है सेवन पॉइंट टू से तो ये आंसर मेरा बन गया सिक्स जीरो तो इसकी वैल्यू निकालनी है थोड़ा और आगे जाएंगे तो और बेटर आंसर मिलेगा मतलब मैं एक दो डिजिट और लिख दूंगा पॉइंट के बाद तो और आंसर मिलेगा बेटर बट इतने में काम चल जाएगा अब यहां से सेम तरीके से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं तो एक्स क्या हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ ये वैल्यू तो मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है सो so ये भी अगर देखो अगर आपको ये कैलकुलेशन करनी आती है ना तो ये सेम टाइम लेगा जो रूट वाले मेथड से आपको क्या करना है एक बार लॉग लेना है लॉग लेके नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जो पावर में है लॉग लेना है इसका फिर नंबर में जो है जो पावर में नंबर है उससे मल्टीप्लाई कराना है फिर पूरे का एंटी लॉग लेना है क्या कहें लॉग ऑफ द नंबर मल्टीप्लाई बाय विद द पावर एंड देन एंटी लॉग ऑफ द टोटल ये काम कर रहा है प्रोसीजर समझा रहा था ठीक है तो मेरे पास में ये नंबर लिखा हुआ है कैलकुलेटर पे जो पूरा बड़े वाला है उसी का मैं एंटी लॉग ले लूंगा ठीक है तो मैं इसका पा, एब्सर्ड पावर कैसे निकालते हैं लॉग एंटी लॉग मैं आपको अभी ट्रिक लिख के भी दिखाता हूँ ठीक है सो तो देखो एंटी लॉग ऑफ सिक्स कैसे करेंगे अब ये वाला काम ये वाला काम ठीक है मैंने डिवाइड करा दिया वन से करा दिया फिर उसके बाद मैंने एड कर दिया वन मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार भाई पंद्रह बार एक दो तीन चार पाँच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो आंसर मुझे पता था बहुत बड़ा आने वाला है वो आ भी गया थ्री अब देखो यहां पर अगर आप रूट वाले तरीके से निकालोगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट आएगा ठीक है बहुत ज्यादा अप्रॉक्सीमेट और यहाँ से आपको आंसर बहुत ज्यादा बेटर मिलेगा यहां पे आपको पता है 330 नहीं दिखेगा एंड में कुछ अलग ही नंबर बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट दिखने वाला है ठीक है तो ये बहुत अच्छी ट्रिक लगती है मुझे एबसर्ड पावर की इसलिए पूरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं एबसर्ड पावर की मैं आपको पूरी ट्रिक बता रहा हूं अगर मेरे को एक्स इज इक्वल टू ए की पार एन दे रखा है तो मैं पहले क्या करूंगा फर्स्ट पार्ट फाइंड लॉग ए उसकी ट्रिक निकालेंगे ठीक है सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई विद एन मतलब मैं क्या करूंगा लॉग ए की वैल्यू निकालकर उसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा ठीक है थर्ड टेक एंटीलॉग टेक एंटीलॉग ऑफ जो वैल्यू आएगी यहां से ऑफ दिस ठीक है दैट तो बेसिकली हमारी दो ट्रिक के मिक्सचर से सेम टाइम में आपका आंसर लग जाएगा जितना हमारा लगता था विद द रूट और बेटर आंसर मिलेगा ठीक है जो रूट वाली ट्रिक थी सिमिलर है उससे मैं नहीं बता रहा आपको क्योंकि इससे मुझे पर्सनली लगता है बेटर आंसर मिलता है आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट में बताएंगे ठीक है नाउ थोड़ी और ट्रिक्स पे बात करते हैं थोड़ी इजी ट्रिक लेते हैं हैवी ट्रिक्स हो गई है परसेंटेज की ट्रिक कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे होती है हमें पता है अगर मुझे 500 का कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बताना है कि क्या एक्यूमुलेट अमाउंट होगा तीन साल बाद के लिए तो आपको सिंपल काम क्या करना है पांच में दस ऐड करना है इससे क्या होगा दस इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी फिर दोबारा दस परसेंट करूंगा तो इस पूरे का जो आंसर आएगा उसकी दस परसेंट वैल्यू बढ़ जाएगी और दोबारा दस परसेंट एड करूंगा तो इस पूरे का यो है उसकी 10 हो जाएगा जो आ रहा है प्रीवियस वाला इससे मिलता है और अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो मेरा जिसपे निकाल रहा था वो मैं माइनस कर दूंगा तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा ये मेरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट है और इसमें से मैंने पी जो है ये माइनस करा दिया है तो मेरा आंसर आ जाएगा देखें 500 प्लस में 10 परसेंट प्लस में 10 परसेंट प्लस में 10 परसेंट करा मैंने माइनस करा दिया मैंने प्रिंसिपल 500 तो देखो आपका क्या आंसर है मेरा आया है 165.5 तो ये हमारा इंटरेस्ट निकालने का बढ़िया तरीका है अब ये हमारा तरीका शॉर्टकट था परसेंटेज का यूज करके अब मैं आपको इक्वेशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं सिखाता हूं बिकॉज इक्वेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व करनी आनी चाहिए सबसे पहले जो हम अपना बोर्ड मास का रूल यूज करके कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करना है बट काम क्या होगा बिना पेन पेपर का कैलकुलेटर पे होगा तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे टेन 10 को हंड्रेड पे ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं टेन के अंदर जो पड़ा है टेन डिवाइड बाय हंड्रेड उसको डिवाइड कराएंगे फिर इसमें वन ऐड कर देंगे सर इसमें वन ऐड कर दिया तो ये अंदर वाली चीज बन गई है टेन डिवाइड बाय हंड्रेड प्लस का वन तो ये बन गया है मेरा 1 .1। ये मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता था है ना इसकी पावर तीन निकालनी है सबसे पहले फिर माइनस करना है वन और आखिरी में हम मल्टीप्लाई कराएंगे पांच सौ से ऐसे ही करेंगे ना कैलकुलेटर के बिना भी ऐसी करते तो मुझे सबसे पहले क्या करना है 1 .1 की पावर तीन अब वन पॉइंट वन की पावर तीन निकालने के लिए मल्टीप्लाई टू से पावर टू निकलती है दोबारा इक्वल टू से पावर तीन निकलती है तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा सोल्व किया जो भी वैल्यू आई मेरी आ गई है वन ये लिखना नहीं है ये लिखना नहीं है ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ लिखना नहीं है आप सीधा सीधा कर सकते हो उसमें से मैंने क्या करना है फिर माइनस करना है वन फिर मैं क्या करूंगा अंदर में इसको सॉल्व करने के लिए माइनस करूंगा वन एंड जो आंसर आएगा उसको पाँच सौ से मल्टीप्लाई तो ये आपको बिना पेन पेपर उठाए काम करना है तो जो आंसर आएगा उसको पाँच से मल्टीप्लाई देखिए आपका आंसर विद फॉर्मूला भी सेम आया है अब कई बार ये जरूरी पड़ेगा यूज़ करना कई बार ये जब हमारी पावर बड़ी हो जाएगी या फिर नंबर ऑफ ईयर ज़्यादा हो जाएंगे तो ये वाला मेथड बेटर है जब एन की वैल्यू छोटी है तो ये वाला मेथड बेटर माना जाएगा ठीक है तो दोनों ट्रिक्स पता होनी चाहिए यहां पे हमने क्या किया सबसे पहले जैसे कैलकुलेशन में करते थे कैलकुलेटर के बिना करते थे अंदर वाला ब्रैकेट वाला सॉल्व फिर उसकी पावर निकाली फिर माइनस किया एंड देन आखिरी में बाहर वाला मल्टीप्लाई किया तो ये काम सेम करना है हमें कैलकुलेटर पे याद रखना ऐसी बहुत सारे चैप्टर में कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है ठीक है देन अब मैं आपको सिखाने वाला हूं एम प्लस एम माइनस एम आर सी और जी टी का बटन कैसे काम करता है सबसे पहले जो हम स्टैट्स के अंदर एम प्लस एम माइनस एम आर सी यूज करते हैं वो ट्रिक सिखाऊंगा या फिर उसके कॉरस्पोंडिंग जी टी भी आप यूज कर सकते हो ग्रैंड टोटल वो भी सिखाऊंगा ठीक है, फिर उसके बाद एम प्लस एम माइनस एम आर सी जो बटन होते हैं उनका यूज कैसे हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में करते हैं वो सिखाऊंगा ठीक है तो यहां पर एम प्लस एम माइनस एम आर सी का मतलब क्या है ये है हमारी पॉजिटिव मेमोरी, ये बेसिकली मेमोरी बटन है क्या है जी मेमोरी बटन ये हमारे को पॉजिटिव मेमोरी में स्टोर कर रहा है एम माइनस क्या है नेगेटिव मेमोरी मतलब ये माइनस साइन के साथ में मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए स्टोर कर रहा है ये वैल्यू ठीक है एम हमारा दो काम करता है किसी किसी में एम और एम अलग अलग होता है एम का मतलब होता है मेमोरी को बुलाना वापस से कि क्या लिखा है मुझे दिखा दे बेटे ठीक है क्या दिखा है पॉजिटिव वैल्यू का ऐड करके नेगेटिव वाला उसमें सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू दिखाता है और मेमरी क्लीन ये हमारा मेमरी जो लिखी है उसको क्लीन करता है अब मतलब क्या है कि मैं अगर एक बार मेमोरी रिकॉल दबाऊंगा तो ये हमारा एम काम करेगा और अगर मैं एम सी क्लीन करना चाहता हूं तो ये टू टाइम प्रेस करने पे मेमोरी क्लीन करता है ठीक है जी यस ये आपको समझना है ठीक है अब ध्यान से समझना आपको सबसे पहले चेक करना है कि इसका काम करने से पहले हमेशा चेक करना है कि आपकी मेमोरी क्लीन होनी चाहिए तो जैसे मैं आपको कुछ लिख देता हूं मेमोरी में मेरी मेमोरी में अभी वन टू वन टू पड़ा है, है ना मेरी मेमोरी अगर आप देखोगे वन टू वन टू पड़ा है चेक करने के लिए मैंने क्या किया था एम का बटन दबाया मेरी मेमोरी में ये आया अब ध्यान से देखना मेरे पास में जब ये वैल्यू आ रही है मेरे कैलकुलेटर में यहाँ पे स्मॉल एम लिखा हुआ आ रहा है अगर ये एम गायब हो गया अब, मेरे एम आर सी दबाने पर तो मतलब मेरी मेमोरी अब क्लीन है मैंने एम आर सी दबाया तो मेरा गायब हो गया ये तो मेरा ये गायब हो गया गायब हो गया जैसे मैंने एम आर सी प्रेस किया तो एम आर सी प्रेस करते साथ में हमारा गायब हो जाएगा तो ये क्या कर देगा मेमोरी क्लीन कर देगा ये गायब हो गया तो मतलब मेरा मेमोरी क्लीन हो गई तो अब मैं जब दोबारा से स्टार्ट करूंगा स्टेप तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा ऑल क्लियर करने के मतलब मेरी स्क्रीन खाली हो गई है अब मैं एम आर सी चेक करता हूं तो मुझे क्लियर दिखेगा तो सबसे पहले मेमोरी क्लीन काम करना है जब भी काम शुरू करेंगे तो मेरी मेमोरी क्लीन है कर दिया हमने अब शुरू करते हैं प्रोसीजर क्या करना है देखो छ पॉजिटिव वैल्यू है तो 6 plus, 6 5, ये मेमोरी पॉजिटिव में जाएगी पॉजिटिव में अब फाइव इंटू थ्री किया ये पॉजिटिव वैल्यू है ये सर आगे प्लस का साइन है तो ये भी मेमोरी प्लस में जाएगी सिमिलरली हमारा अगला ठीक है सिमिलरली अगला एक बार दोबारा से करता हूं मैं सिक्स इंटू फाइव मेमरी पॉजिटिव में फाइव इंटू थ्री मेमरी पॉजिटिव में फोर इंटू फोर इंटू फाइव मेमरी पॉजिटिव में ठीक है फोर इंटू फाइव मेमरी पॉजिटिव में और हमारा एट इंटू थ्री ये भी प्लस का है तो ये भी मेमरी पॉजिटिव में एट इंटू थ्री ये भी मेमरी पॉजिटिव में तो मेरा आंसर आ जाएगा जैसे ही मैं जैसे ही मैं एम का बटन दबाऊंगा ये क्या कर रहा है क्या करेगा हमारे जो आपका ये एडिशन करके है आंसर दे देगा तो बेसिकली यहां से आप क्या समझे ये हमारा ये कैलकुलेशन है ये मेरी ये कैलकुलेशन है ये मेरी ये कैलकुलेशन है ये मेरी ये कैलकुलेशन है, है। जैसे ही आपने एम प्लस दबाया तो ये पॉजिटिव मेमोरी में स्टोर हो गया और जैसे इसको आपने मेमरी पॉजिटिव का बटन दबाया तो यहां पे जो स्टोर था

देखते हैं ना सबसे पहले मेमोरी क्लीन कर देते हैं एम में थ्री फिफ्टी सिक्स पड़ता है दोबारा एम आर दबाया क्लीन हो गया स्टार्ट करते हैं ऑल क्लियर करके शुरू करते हैं पॉजिटिव वैल्यू सिक्स इंटू फाइव पॉजिटिव तो एम प्लस में गई ठीक है जी अगला फाइव इंटू थ्री पॉजिटिव वैल्यू है एम प्लस में गई अगला फोर इंटू फाइव हमारा नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव साइन लगा रखा है जी आगे नेगेटिव साइन लगा रखा है तो मैं क्या करूंगा मेरी मेमोरी नेगेटिव में जाएगी मेमोरी नेगेटिव में गई एम माइनस में गई ध्यान से ठीक है अगला एट इंटू थ्री एट इंटू थ्री अब अगला नेगेटिव साइन है यहां पर तो एम माइनस में जाएगी तो एम माइनस में गई अब जैसे ही मैं एम आर सी दबाऊंगा देखो मेरे को इसका पूरा आंसर मिल जाएगा एम आर सी दबाया आंसर वन आ रहा है आप सॉल्व करके देख लो वन आ रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ ये चीज ये चीज एम प्लस दबाने में हमारी स्टोर हो गई है ये इसमें ऐड हो गई है जैसे एम प्लस दबाया ये करने के बाद में अब एम माइनस का मतलब क्या है कि जो आपका आंसर आया उसमें जो ये वाली वैल्यू है सब कर दो जो आपका आंसर है उसमें ये वाली वैल्यू एम माइनस जो वैल्यू आई है यहाँ पे उसमें से सब्रैक्ट कर दो मतलब जी ये काम जीरो में ऐड हुआ है ना जीरो में सिक्स इंटू फाइव ये ऐड हो गया पहले हमारी क्या थी एम आर सी में जीरो पड़ा था तो जैसे ये काम करने के बाद में ये दबाया तो ये वैल्यू इसमें ऐड हो गई अब ये हमारे मेमोरी में पड़ा है तो जैसे ये लिखने के बाद ये दबाया तो ये वैल्यू इसमें ऐड हो गई है अब ये हमारे मेमोरी में, में पड़ा हुआ है अब ये लिखने के बाद ये दबाया तो ये वैल्यू इसमें से माइनस हो गई है फिर यहां पर ये लिखने के बाद ये दबाया तो मतलब ये वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई है तो ये आपको पता होना चाहिए काम कैसे चल रहा है तो अगर गलती भी हो गई तो आप फिर उसको करेक्ट कर पाएंगे स्टेप्स कैसे चल रहे ये पता होना चाहिए रट्टा मत मारो समझो आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन कर पाओगे फिर ठीक है ओके सेम काम मैं चाहूं अगर सारे पॉजिटिव साइन होते मेरे पॉजिटिव साइन के लिए करेंगे जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टैट्स के काम में स्टैट्स में काफी सारी ऐसी कैलकुलेशन होती है जहां पे नेगेटिव वैल्यूज होती ही नहीं है उस केस में सेम कैलकुलेशन मैं ग्रैंड टोटल से कर सकता हूं कैसे कह रहा है आप कुछ मत करो आप सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ सिक्स इंटू ये वैल्यू कितनी आती है निकाल लो फाइव इंटू ये वैल्यू कितनी आती है निकाल लो फोर इंटू ये वैल्यू कितनी आती है निकाल लो एट इंटू ये वैल्यू आती है कितनी निकाल लो अब सारी अगर ऐड हो रही है जैसे ही मैं ग्रैंड टोटल का बटन दबाऊंगा तो क्या करेगा इन सबको ऐड कर देगा जैसे ही मैं ग्रैंड टोटल का बटन दबाऊंगा सबको कर करेगा देखें पहले ऑल क्लियर करना है ऑल क्लियर से क्या होगा मेरा स्टेप रीसेट हो जाता है जीरो से स्टेप जीरो से रीसेट होता है फिर सिक्स इंटू फाइव इक्वल टू दबा दिया फाइव इंटू थ्री इक्वल टू दबा दिया फोर इंटू फाइव इक्वल टू दबा दिया एट इंटू थ्री इक्वल टू दबा दिया और मैंने जैसे ही ग्रैंड टोटल का बटन दबाया मेरा आंसर क्या हो गया बेटा इनका एडिशन आ गया देख लो एटी नाइन यहां से भी सेम आंसर आ रहा है क्या यहां से यस yes, सर तो हमने क्या किया दिस इंटू दिस वैल्यू आ गई कुछ यहां वैल्यू आ गई कुछ यहां वैल्यू आ गई यहां वैल्यू मुझे इनका टोटल चाहिए टोटल के लिए क्या करेंगे ग्रैंड टोटल का बटन दबाएंगे ये क्या करेगा जितने भी आपके स्टेप्स में वैल्यूज है उनको एड कर देगा बट इसके अंदर में ध्यान रखना है सबसे पहले ऑल क्लियर का बटन दबाकि स्टेप करना है क्योंकि यहां से आपके स्टेप रीसेट हो जाएंगे कुछ भी स्टेप्स में लिखा नहीं आएगा मतलब पहले वाली सारी मेमोरी क्लीन हो जाएगी फिर आप जब ये काम शुरू करोगे तो इन सभी का इक्वल टू के बाद ध्यान रखना है इक्वल टू के बाद आपकी नई स्टेप शुरू हो जाएगी तो जो वैल्यूज इक्वल टू के बाद की होंगी वो सारी एड है तो याद रखना है कि इसके अंदर में एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपका काम हो इक्वल टू प्रेस करना है और इक्वल टू इसके अलावा कभी भी प्रेस नहीं करना है ठीक है इक्वल टू तभी प्रेस करना है जब आपका एक स्टेप खत्म हो जाए नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाए फिर नेक्स्ट स्टेप पे इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप पे इक्वल टू इसके अलावा इक्वल टू प्रेस मत करना वैल्यू गलत हो जाएगी ठीक है अब ये हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देख ली हैं अब एम प्लस एम माइनस एम आर सी का सबसे धाकड़ यूज होता है ना वो होता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने में एनयूटी के अंदर में हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन निकालना सीखा था

मेरे को ध्यान से देखना है कि डिनोमिनेटर में कुछ पावर में तो नहीं है ये सर पावर में तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 1.1 1.1 की पावर 5 मतलब 1 .1 into, equal to, equal to, जब तक से एक बड़ा स्टेप छह ना आ जाए तो 1.1 की पावर 5 निकालने के लिए क्या करूंगा 1.1 पॉइंट वन इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू जब तक मेरा पांच से बड़ा छ स्टेप ना आ जाए कर दिया अब ये वाली चीज को आप दो काम करेंगे जैसे ही आपने निकाल लिया आप दो काम करेंगे इसको मेमोरी प्लस में सेव कर देंगे सबसे पहले मेमोरी प्लस में सेव कर दिया पहले चेक करना है मेमरी क्लीन तो थी ना सर हाँ सर क्लीन थी मैं एक बार दोबारा से कर देता हूं अब मैंने मेमोरी प्लस में सेव कर दिया अब यही सेम वैल्यू यहां दिख रही है शुरू कर सकता हूं मैं इसके साथ तो अब मेरा ये मेमोरी प्लस में डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम होगा सेव हो गया अब ये वैल्यू ऊपर भी दिख रही है मैंने इसमें से अब काम शुरू करना है माइनस वन मैंने माइनस वन कर दिया इसमें से मैंने माइनस वन कर दिया ठीक है Osionfish. अब मुझे क्या है ये डिवाइड माइनस पॉइंट वन से भी हो रहा है इससे भी हो रहा है तो डिवाइड करा दिया पॉइंट वन से और डिवाइड करा दिया किससे जो मेरी मेमोरी में वैल्यू सेव है तो जो मेरी मेमोरी में वैल्यू सेव है वो कैसे आएगी एम आर सी के बटन से ठीक है ध्यान से देखना तो मैंने डिवाइड करा दिया इसको पॉइंट वन से डिवाइड करा दिया जो मेरी मेमोरी में सेव है वैल्यू ये काम भी हो गया ये काम भी हो गया और ये पूरा काम भी हो गया ठीक है तो मुझे जो आंसर मिल गया ये पूरे का जो मेरा ये पूरी वैल्यू बनती है ये पूरे का आंसर मिल गया तो मेरा पूरी का आंसर क्या हो गया इक्वल टू प्रेस करने पर मिल जाएगा तो मेरा आंसर आ गया कुछ इसका के आसपास जो भी वैल्यू आई है अब आखरी स्टेप क्या है भाई मेरा बस ये पूरा मिल गया इसको 2000 से कराएंगे तो जैसे ही आप करोगे तो आपको इस पूरे का आ जाएगा। विच इज कमिंग अराउंड सेवन फाइव एट वन पॉइंट फाइव सेवन तो हमने यहाँ पे क्या चीज सीखी अगर मुझे कुछ डिवाइड में पड़ा है मुझे उसको बाद में डिवाइड कराना है, अभी नहीं कराना तो उसको आप मेमोरी में सेव कर लो जब उसका नंबर आएगा डिवाइड मेमोरी रिकॉल तो ये काम आप नॉर्मली भी कर सकते हो कैसे सर कह रहे देखो जैसे मेरे को 27 को डिवाइड कराना था लेट सपोज uh, 121 से ठीक है 121 से या 11 के स्क्वायर से लेट सपोज 11 के स्क्वायर से सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं आपको ठीक है इलेवन के स्क्वायर से तो कह रहे मुझे नहीं पता है इलेवन का स्क्वायर कितना होता है मुझे बट यह बताया इलेवन इंटू इक्वल टू से स्क्वायर आ जाता है अब मैं क्या करता हूं इसको मेमोरी में स्टोर कर लेता हूं अब मैं चाहूंगा मेमोरी में स्टोर्ड है मेरी वैल्यू अब मैंने क्या किया सबसे पहले काम यहाँ पे इलेवन का स्क्वायर निकालने के लिए इलेवन इंटू इक्वल टू मैंने इसको मेमोरी में स्टोर कर लिया अब मैंने क्या किया नया काम शुरू किया नया काम में क्या किया मैंने कहा ट्वेंटी सेवन से मुझे इसको डिवाइड कराना है डिवाइड किससे कराना है जो मेरी मेमोरी में स्टोर था जो मेरी मेमोरी में स्टोर था तो ये वैल्यू मेरी डिवाइड हो जाएगी देखें डिवाइड करा दिया जो मेरी मेमोरी में स्टोर था सॉरी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कोई बात नहीं मैंने क्या करना है मैंने 27 को डिवाइड कराना है जो मेरी मेमोरी में स्टोर था मेरी मेमोरी में स्टोर था उसे डिवाइड कराया इसका वैल्यू आ गया मेरा 0.223 समझ में आया तो आप रेसिप्रोकल वाले सिस्टम से भी कर सकते थे हाँ 11 का स्क्वायर वन है उसका रेसिप्रोकल लिया और मल्टीप्लाई करा 27 से वैसा भी कर सकते थे मुझे पता है को आया होगा डाउट बट दूसरा मेथड और बता रहा हूं क्या मेथड बताया दोबारा रिपीट करता हूं एक क्वेश्चन की हेल्प से जल्दी समझ में आएगा फिर नीचे वाला मेथड ठीक है मैंने आपको बोला एट्टी सेवन को आप डिवाइड कराओ 13 के पावर फोर से तो आप क्या कर सकते हो एक तरीका तो है भाई थर्टीन की पावर फोर निकालो उसका रेसिप रोक कर लो और एट्टी सेवन से मल्टीप्लाई करा तो ये हमने सीखा हुआ है या आप थर्टीन की पावर फोर निकाल लो पहले ठीक है कैसे निकालोगे थर्टीन मल्टीप्लाईक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू है ना पावर फोर आ जाएगी उसमें पांच होंगे देख ले सबसे पहले ऑल क्लियर कुछ नहीं मेमोरी भी खाली होनी चाहिए सब कुछ खाली होना चाहिए थर्टीन मल्टीप्लाई इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू आ गई है जो भी वैल्यू आई है इसको आप मेमोरी प्लस में सेव कर दो मेमोरी प्लस में सेव कर दिया हो गया काम खत्म मेरा नीचे वाला काम खत्म हो गया अब नया पार्ट 87 को डिवाइड कराना है इससे तो इससे डिवाइड कराना है ओह ये तो मेरी मेमोरी में, में, में स्टोर्ड है तो मेरी मेमोरी में, में स्टोर्ड को मैं बुला लेता हूं बाय मेमोरी रिकॉल से 87 को मैंने डिवाइड करा दिया जो मेरी मेमोरी में, में, में स्टोर्ड है मेरा आंसर आ गया जो इसका आंसर आना चाहिए दैट इज पॉइंट आपका उत्तर आ गया है यस yes, तो ये बहुत तगड़ी ट्रिक है ठीक है सो नाउ लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे को बेटा बताना है क्या जी इस ए की वैल्यू क्या होगी इस ए की वैल्यू क्या होगी तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो सबसे पहले बेटे आप क्या करो 1.1 की पावर 5 निकाल ली तो 1.1 पॉइंट वन इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू फाइव पावर फाइव आ गई है ना तो मैंने सबसे पहले क्या करना है अगेन ये रेसी में डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ कुछ तो मैंने 1.1 की पावर 5 निकाल लिया ये आप निकाल सकते हो है ना कैसे निकाल सकते हो सर 1.1 पॉइंट वन इन टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू स्टेप्स छः दिख जाएंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू से पावर टू पावर थ्री पावर फोर पावर फाइव ऐसे ही कर भी सकते हो ठीक है अब मेमोरी में सेव कर दिया मेमोरी में सेव क्यों कर दिया क्योंकि मुझे बाद में इसको डिवाइड कराना है तो मैंने मेमोरी में सेव कर दिया अब इसी से यही वैल्यू जो है हमारी स्क्रीन पर दिख रही है इसमें से मैंने माइनस वन कराया माइनस वन हो गया काम खत्म ये इसको डिवाइड करना है मुझे पॉइंट वन से तो ये काम भी खत्म और डिवाइड कराना है मुझे एम आर सी जो मेरी मेमोरी में पड़ा है ठीक है हो गया तो मैंने क्या किया जी यहां पर आपके क्या क्या काम कर लिए? इसी वैल्यू में से मैंने इसको माइनस कर दिया वन है ना मेमोरी प्लस के अंदर इसको सेव कर दिया अब उसके बाद माइनस वन किया डिवाइड कराया पॉइंट वन से और डिवाइड कराया जो मेरी मेमोरी में पड़ा था उसको रिकॉल कर लिया ठीक है कर दिया रिकॉल नाउ ये काम हो गया है अब एक गड़बड़ हो गई सर एक गड़बड़ हो गई सर क्या गड़बड़ हो गई मेरे को तो मेमोरी में अब ये वाली वैल्यू चाहिए हो सकती है है ना ये वाली वैल्यू चाहिए हो सकती है क्यों सर क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू टू थाउजेंड डिवाइड बाय में ये वाली वैल्यू चाहिए यहां पे यार अगर मेरी ये मेमोरी में पड़ा होता तो आंसर निकल आता टू थाउजेंड को डिवाइड कराना ना, ना इससे तो यहां पे मुझे इसको डिवाइड कराना है वन पॉइंट वन की पावर जो भी वैल्यू बनती है ठीक है फाइव माइनस वन डिवाइड बाय पॉइंट वन क्या करूं मैं क्या करूं तभी मेरा एक की वैल्यू आएगी कह रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यस सर स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे ये डिवाइड कराने का मतलब क्या है लेना है ना तो जो भी आपकी वैल्यू आई है जो भी आपकी वैल्यू आई है आप रेसिप्रोकर ले लो इसका अब मैं चाहता दो तरीके से बता रहा हूं एक तरीका तो क्या है रेसी ब्रोकर ले लो इसका डिवाइड इक्वल टू दयासी ब्रोकल आ गया रेसी ब्रोकर ले लिया रेसी ब्रोकर मतलब की अब हमारा काम क्या हो गया दिस विल बिकम लाइक दिस विल बिकम लाइक टू थाउजेंड इन टू वन बाय दिस इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल वाली के लिए वन बाय में ये करने के लिए ये रेसिप्रोकल कर दिया हमने ठीक है यस यस तो यहां से मेरा बेटे ये रेसिप्रोकल हो गया है ये रेसिप्रोकल हो गया है अब इसको टू थाउजेंड से मल्टीप्लाई करा देंगे आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय टू थाउजेंड तो मेरा आंसर आ गया है इसका बेटे 527.59। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक और मेथड बताता हूं देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन क्या था मेरे पास क्वेश्चन था सर मुझे 2000 थाउजेंड इज इक्वल टू ए इंटू वन की पावर 5 माइनस वन डिवाइड बाई पॉइंट वन इंटू वन की पावर 5 निकालना है एक और मेथड करते हैं इसमें ठीक है वो भी सिमिलर है बस थोड़ा सा डिफरेंस है सब सबसे पहले मुझे मेमोरी में 1.1 पॉइंट वन की पावर फाइव चाहिए तो निकाल दिया ठीक है इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया अब ये जैसे ही मैंने निकाला ये तो आप निकाल सकते हो इसमें से माइनस वन कर दिया ठीक है मैंने इसको मेमोरी में भी डाल दिया है अब इसमें से मैंने माइनस वन कर दिया है और डिवाइड करा दिया है मैंने इसको पॉइंट वन से और डिवाइड करा दिया है अगेन जो मेरी मेमरी में वैल्यू पड़ी है है ना मेरी वैल्यू क्या पड़ी है मेमरी में ये तो मैंने डिवाइड करा दिया इसको मेमरी में जो मेरी वैल्यू पड़ी है अब साथ में साथ में याद रखना मेरे को ये वैल्यू पूरी की पूरी 2000 से डिवाइड करानी है तो मेरे को हो सकता है इसको मेमोरी में स्टोर कराना पड़े बट इसको मेमोरी में स्टोर कराने से पहले मेरे को मेमोरी क्लीन करनी है तो मैंने मेमोरी क्लीन कर दी तो यहां ये जैसे ही बटन दोबारा प्रेस किया ये के बाद में वापस से प्रेस किया तो इससे क्या हुआ मेमोरी मेमोरी क्लीन हो गई है मेमोरी क्लीन हो गई है जीरो बन गई है मेमोरी तो मेरी मेमोरी क्लीन हो गई इससे दोबारा प्रेस करने पे मेमरी क्लीन हो गई अब इक्वल टू प्रेस कर दूंगा ठीक है uh, कुछ गलत बटन दब गया है एक बार दोबारा से करता हूं वन पॉइंट वन इंटू इक्वल टू ठीक है मेमोरी का बटन दबाया माइनस किया वन डिवाइड कराया पॉइंट वन से डिवाइड कराया मेमोरी से डिवाइड कराया मेमोरी से सही आया था सही आया था मैंने कुछ गलत कर दिया था ठीक है और साथ में मैंने मेमोरी को क्लीन कर दिया साथ में मैंने मेमोरी को क्लीन कर दिया अब इक्वल टू ये करने के बाद में अब इक्वल टू दबाया जैसे ही मैंने दबाया वही नंबर आ गया थ्री पॉइंट सेवन नाइन अब मेरे को पता है जो ये वैल्यू आने वाली है मुझे क्या करना है मुझे टू थाउजेंड को इससे डिवाइड कराना है ये वैल्यू मेरी स्क्रीन पे दिख रही है और मेरी मेमोरी मुझे क्लीन दिख रही है तो मैंने कहा जो भी वैल्यू दिख रही है अब उसको मेमोरी प्लस में सेव कर देता हूं जो भी वैल्यू दिख रही है मुझे मेमोरी प्लस में सेव कर दिया मैंने इसको मेमोरी प्लस में सेव कर दिया ओ अगर मैं अब इसको रिकॉल कर लूंगा टू थाउजेंड से डिवाइड कराने के लिए तो मेरा आंसर खुद ब खुद आ जाएगा तो अब मैंने क्या किया लास्ट स्टेप में जैसे मेमोरी में स्टोर था तो 2000 को डिवाइड कर दिया जो मेरी मेमोरी में अब स्टोर आया जाने वाली तो आंसर मेरा यही सेम आ रहा है घर बैठ के ट्राई करना ये तगड़ी ट्रिक है बिना कैलकुलेटर के आप इस क्वेश्चन को फटाक से नहीं कर सकते और कैलकुलेटर के साथ बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे तो दो तरीके से मैंने आपको सेम काम बताया है ट्राई करो बेस्टेस्ट ट्रिक है ये वाली और इससे फटाक से आंसर आता है आपका बेटे सो so, ऐसी और ट्रिक को जानेंगे बताओ आप क्या चाहते हो हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग टेक केयर बाय बाय अलविदा बच्चा पार्टी